हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डी टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और यमी सी चटनी व्रत में खाने वाली। तो आइए उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, ऐसे दो पीस ले लिए हमने, इतने बड़े बड़े, ये आप फिंगर्स पे देख सकते हैं, इतने बड़े मैंने दो पीस लिए और ब्लैक स्किन जो है इनके पीछे से निकाल दी है। ये मैंने तड़के के लिए एक हरी मिर्च और 1/4 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। यहाँ मैंने सेंधा नमक लिया है क्योंकि ये व्रत की चटनी है। आधा इंच अदरक लिया है, दो हरी मिर्च ली है, इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, और 4 to 5 स्टेम्स के साथ ही मैंने धनिया लिया है, 8 से 10 करी लीव्स हैं, और ये मूंगफली का पाउडर है जो भी हमने रोस्ट किया है, तो और ये 2 चम्मच के करीब भरकर दही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। धनिया के बाद हम इसके पीसेस करके डाल देंगे, कोकोनट के पीसेस कर देंगे, दो हरी मिर्च को तोड़कर डाल देंगे, मूंगफली का पाउडर डालना है हमको, और उसके बाद ये अदरक है और ये सेंधा नमक है, करी लीव्स डाल देंगे और इसमें एक कर्ड डाल के हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब ये देखिए, हमने जब इसको ग्राइंड किया ना, तो ये कुछ ऐसा हो गया है दही डालने के बाद। अब हम इसमें जरूरत के हिसाब से, जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए ना, उतना हम इसमें पानी डालेंगे और इसको चलाकर फिर से देखेंगे, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट डाला है ना, तो पानी थोड़ा ज्यादा लगता है। और ये देखिए, हमारी ये यमी सी चटनी जो है बनकर तैयार है। और इसमें ना हम नमक अभी टेस्ट कर लेंगे और दही थोड़ा सा खट्टा लेंगे ताकि चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आए। तो इसको प्लेट में निकालते हैं। प्लेट में निकालने से पहले मुझे लगा थोड़ा थिक है, तो मैंने इसमें और थोड़ा पानी और नमक डालकर परफेक्ट बना लिया है। अब हम इसमें तड़का भी लगाएंगे। अब चटनी तो टेस्टी है और उसको और टेस्टी बनाने के लिए हम लगा रहे हैं तड़का। 1 चम्मच हमने ले लिया है तेल, जीरा डाल रहे हैं और ये हरी मिर्च डाल देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, 3 से 4 करी पत्ता डाल देंगे। देखिए आप, चटनी कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी यम्मी है। और इस पर हम डाल देंगे ये तड़का करी लीव्स के साथ, जीरे वाला। मैं इसमें लाल मिर्च यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग इसमें लाल मिर्च नहीं खाते हैं। और मैं फिर से आपसे कहूंगी कि आप एक बार बनाकर खाकर जरूर देखिए, आप व्रत के बिना भी इसको खाना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।